अस्सलाम वालेकुम, खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से सैयद जाय हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वो स्टेडियम जहां डोमेस्टिक सुपर एट टी ट्वेंटी के मैचेस इन दिनों जारी हैं। पाकिस्तान का पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ये मैचेस आपके लिए बराह रास्त पेश कर रहा है। पाकिस्तान की 8 टॉप टीमें इस टूर्नामेंट में एक्शन में है और पाकिस्तान के तमाम ही सितारे इस टूर्नामेंट की अहमियत को बढ़ा रहे हैं अपने खेल के साथ। इस टूर्नामेंट की कवरेज आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर तो देख ही रहे हैं, साथ साथ हम अपने प्रोग्राम में इस टूर्नामेंट के हवाले से होने वाली अच्छी परफॉर्मेंसेज, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही है। आइए प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत करते हैं सुपर ए टी ट्वेंटी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से। और जनाब इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं पिशावर पैंथर्स की टीम है जो डोमेस्टिक टी ट्वेंटी टूर्नामेंट की 8 टीमों में जगह बनाने में कामयाब रही है। उमर गुल की क्यादत में इस टीम ने सुपर ए टी ट्वेंटी में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कायद आजम ट्रॉफी में भी इस टूर्नामेंट की जो टीम है इसकी परफॉर्मेंस खासी अच्छी रही है। अकबर बादशाह की क्यादत में पिशावर की क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल तक पहुंची थी। इस टीम के खिलाड़ी अपनी टीम की कामयाबियों पर और पिशावर में क्रिकेट स्ट्रक्चर पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं। हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस मैचेस पिशावर में किए, तो जितने भी लड़के हैं सारे कमिटेड लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। जी डिफरेंट गेम है क्योंकि इसमें काफी एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब 20 ओवर एक घंटे 20 मिनट में सब कुछ करना पड़ता है। और फोर डे में ये कि विकेट मुश्किल होती है, लॉन्ग गेम होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट गेम है। पिशावर की फिलहाल अभी क्रिकेट बहुत अच्छी हुई क्योंकि अभी लास्ट सीजन हम जीते, चैंपियन हो गए, काफी 8 बार बाद जीते और ऊपर से रीजन भी माशाल्लाह बड़ी वो मेहनत कर रहे हैं, क्लब के मैचेस करा रहे हैं, इंटरडिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आपस में मैचेस करा रहे हैं। पिशावर में माशाल्लाह जी टैलेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि अभी 2-3 प्लेयर हमारे इंजर्ड हैं जिसकी वजह से हमें बॉलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, वरना माशाल्लाह पिशावर में टैलेंट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत ही अहम टूर्नामेंट है, कई नौजवान खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में एक्शन में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी भी यहां पर मौजूद है और उन्हीं नौजवान खिलाड़ियों में से एक अहमद शहजाद जो पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेले, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2009 में खेले जहां पाकिस्तान टीम जीती थी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान टीम से बाहर है, लेकिन इनका मुस्तकबिल रोशन कहा जा रहा है। हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है अहमद। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस, टीम का हिस्सा नहीं बने, कुछ अफसोस हुआ था? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो यह भाई ऑब्वियसली हमारा जो मेन मकसद होता है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है, नो मैटर वेयर एवर यू परफॉर्म, जहाँ मर्जी आप स्कोर करें, लेकिन जो मेन मोटो होता है इंसान का वो अपने होता है। ऑब्वियसली दुख तो होता ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्टर्स हैं मुझे उन पर पूरा भरोसा, इकबाल भाई हैं मुझे बहुत पसंद है, वो कभी गलत नहीं कर सकते, उन्होंने जो भी किया अच्छा किया और आगे भी वो अच्छा ही करते हैं। सिलेक्टर्स तो आपको पसंद करते हैं, पूरा पाकिस्तान आपको पसंद करता है, लेकिन अहमद शहजाद के बारे में कहा जाता है कि पता नहीं अहमद शहजाद को क्या हो जाता है और फास्ट बॉलर जो है उनके डिसिप्लिन के बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन अहमद शहजाद इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी शिकायतें दे रहा है, ऐसा है या सिर्फ बातें? गलतियां सबसे होती है भाई, कुछ गलतियों को बहुत ज्यादा हाइप दे दी जाती है और कुछ गलतियों को छुपा दिया जाता है। सो ऑब्वियसली गलतियां हुई हैं, लेकिन कोई इतनी ऐसी सच बड़ी गलतियां नहीं जिनको, लेकिन ऑब्वियसली इम्प्रूव कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी नहीं होंगे। अहमद आपके बारे में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेग स्पिनर साबिक चीफ सिलेक्टर अब्दुल कादिर कहते हैं कि पाकिस्तान के सचिन तेंदुलकर आप हैं, लेकिन जितनी क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए थी आपने खेली नहीं और कभी टीम में आ जाते हैं कभी परफॉर्म नहीं कर पाते, अब टीम में आएंगे तो क्या करेंगे? यह भाई कहते हैं कि नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले नहीं मिलता है, और मेरा ख्याल है जब मैं बाहर भी हुआ मैं 100 करके बाहर हुआ था और परफॉर्मेंस का तो कभी जिंदगी में कोई इशू रहा नहीं है, जो इशू छोटे मोटे थे इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगली सीरीज में इंशाल्लाह ताला कमबैक करूंगा, बहुत उम्मीद है। पाकिस्तान टीम अभी तक जितने क्रिकेट खेली है, एशिया कप जीती, इंग्लैंड के खिलाफ खेली, श्रीलंका के खिलाफ खेली, कहीं ऐसा महसूस हुआ
यहाँ पर अहमद शहजाद को होना चाहिए था। बांग्लादेश में बीपीएल खेल के आया हुआ था, ऑब्वियसली सारे कंडीशंस का पता था, सब कुछ पता था, तो ऑब्वियसली वहाँ फील होता था कि अच्छी साइड है, एशिया कप होता है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली बहुत हाइप क्रिएट होती है उसकी, तो अच्छा मौका होता है नाम बनाने के लिए, और एक्सपीरियंस भी था वहाँ पे खेल के आया हुआ था। वहाँ पे थोड़ा सा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से नासिर ने भी अच्छा खेला वहाँ पे, क्रेडिट गोज़ टू हिम एज़ वेल। और फिर वही बात के इन द एंड पाकिस्तान जीता, जब तक पाकिस्तान जीत रहा तो कोई मसला नहीं है मुझे। कहते हैं क्रिकेट पैसा देती है, शोहरत देती है, लेकिन जब टीम से बाहर हो जाता है तो कितना दुख होता है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, पैसे की तो कोई मसला नहीं है। जब बीपीएल के बाद से मिडिल ऑफ द बीपीएल बड़े बड़े अच्छे हैंडसेट से बिग बैश में श्रीलंका हर जगह बड़े बड़े अच्छे ऑफर्स हैं, पैसे का कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जो कहते हैं ना अपना स्टार, उसकी एक जो वैल्यू है वो किसी पैसे की मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की कैप सर पर सजाना, ये सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ी दौलत ही है। बूम बूम आफरीदी के लिए लोगों का दिल धड़कता है, जब वो चलते हैं तो लोग उनके पीछे होते हैं, लोग एक झलक उनकी देखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अहमद शहजाद को टीम में होना चाहिए। देखें जो बड़े होते हैं उनकी जो नजर होती है ना, मेरा इस सच किसी से ताल्लुक नहीं है, सारे एक जो ग्राउंड में ताल्लुक है वही ताल्लुक है। लेकिन जिस तरह वसीम भाई ने अपने दौर में कहा था कि ये लड़का, उस पर मेहनत किया, वर्क किया, एक नज़र होती है बड़े प्लेयर की, तो वो भी मेरे टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, मुझे उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया है। मेरे अंदर जो टैलेंट है वो समझते हैं, जो उनकी बींग सीनियर उन समझते हैं कि मेरे में टैलेंट है, वो उसको सपोर्ट करते हैं, मुझे कभी भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मेरा यही सबसे है कि कोई भी किसी प्लेयर को, सारे एक कप्तान के लिए, एक सीनियर प्लेयर के लिए, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन जो एक दो होते हैं एक्सेप्शनल, उनकी आंख होती है, वो कहते हैं कि टैलेंटेड है, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं और समझाते हैं। जो सबसे अच्छी उनमें बात है वो हमेशा समझाते हैं, कभी कोई नेगेटिव चीज जेन में आने नहीं दी उन्होंने। अहमद, आपके लिए हमारी नए ख्वाहिशात कि आप जल्द पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे। अहमद शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी ख्वाहिश की, अहमद शहजाद को आज के शो में हम लेकर आए और हमने आपकी ख्वाहिश को पूरा किया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद स्कोर में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से डोमेस्टिक T20 सुपर 8 पर और पहुंच। और जनाब हम हमारे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट में, हम आपकी पाकिस्तान के कई स्टार क्रिकेटर से मुलाकात करा चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के नंबर एक फास्ट बॉलर, दुनिया क्रिकेट का वो बॉलर जिसने कई मैचों में पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाई, कई ऐसे मैच जो पाकिस्तान टीम हार रही थी उनको जीत में तब्दील कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ उमर गुल की। उमर, खुशामदीद कहेंगे आपको, और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि थकावट वाली क्रिकेट, मिसबा नहीं आए, हफीज नहीं आए, सईद अजमल एक मैच के बाद आए, शाहिद आफरीदी को अमेरिका जाना था, फवाद आलम की शादी थी, लेकिन उमर गुल की डेडिकेशन, क्या पिशावर से मोहब्बत थी या क्रिकेट से प्यार था जो यहाँ खेल रहे हैं? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें है, क्रिकेट से मोहब्बत भी है और पेशावर से जो डेडिकेशन की, जिस तरह मैंने पेशावर से, पेशावर ने मुझे खिलाया, पेशावर से मेरा नाम बना है, तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, क्रिकेट से भी लव करता हूँ और पेशावर टीम से भी। यूरोप खान से खेला करते हैं कि यार तुम अहमदाबाद से खेलने के लिए चले गए, तुम होते तो मैं बॉलिंग संभालता, तुम बैटिंग संभालते? नहीं, कोई खास गिला तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी और जो हमारे पेशावर सेशन की जो प्रेजिडेंट है उनकी तौर से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम चल रही है, जो कि होनी तो नहीं चाहिए। जिस तरह का वो प्लेयर है और जितना उन्होंने अचीवमेंट किया पाकिस्तान के लिए, और ये मेरे ख्याल से जाती हो रही है पेशावर प्लेयर के साथ, क्योंकि जितने भी सीनियर प्लेयर है, अगर मैं यहाँ पे खेलता हूँ तो नो डाउट कि वो मेरे से सीखने की कोशिश के बॉलर, अगर बैट्समैन है जिस तरह यासर अहमद, यूनुस खान, अगर वो पेशावर टीम से खेलते हैं तो आज पेशावर टीम की ये हालत ना होती और जो हमारी टीम जो है एक टाइम पे होती थी टॉप पोजिशन पे फिनिश कर देती, तो आज हमारी टीम उधर ही होती। ये तो पाकिस्तान में हर क्रिकेट एसोसिएशन का रोना है उमर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पेशावर के खिलाड़ियों से बात की, क्योंकि पेशावर की टीम ने कायद अजम ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, आप नहीं थे वहां पर, यूनुस नहीं थे वहां पर, लेकिन टीम ने बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाई, आपके होने से क्या फर्क पड़ता है? और एक टेस्ट क्रिकेटर जो पाकिस्तान से खेल रहा है, जब वो पेशावर से खेलता है तो कैंप में कितनी एनर्जी आती है? जो रिसेंटली जो 4-day टूर्नामेंट ये लोग खेले हैं, तो उससे पहले हम 2020 खेले जिसमें हम सेमीफाइनल हार गए थे और यहाँ पे सुपर 8 में पहुंचे थे। बिफोर द 2020 मैंने कैंप लगाया था 20-25 लोगों का, जितना भी अवेलेबल प्लेयर्स थे पेशावर से, जो पेशावर के टॉप प्लेयर्स थे, तो मेरे ख्याल से अगर आप इन लोगों को थोड़ा सा फिजिकली फिट रखे और उनके साथ वर्कआउट करें, प्रॉपर इनके कैंप शैम्प लगाए, तो नो डाउट टैलेंट काफ़ी सारा है पेशावर में, टैलेंटेड प्लेयर्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर भी है इसमें, तो मेरे ख्याल से वो जो हमने कैंप लगाया था बिफोर 2020 और 15-20 दिन का जो कैंप था, तो उसमें स्पेशली फिजिकल ट्रेनिंग पे काफ़ी जोर दिया था और प्लस इसके अलावा 8-10 दिन हमने नेट प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिला 4-day में। जिम्बाब्वे के दौरे में सेलेक्टर्स ने आपको आराम कराया और आपने हाँ भी कर दी, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम की तरफ से आप टेस्ट भी खेल रहे हैं, 1-day भी खेल रहे हैं, 2020 भी खेल रहे हैं,
फिट रखने के लिए, अपने आप को हर क्रिकेट के लिए तैयार करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का अलग अलग शुक्र अदा करूँगा कि मैं तीनों फॉर्मेट में खेल रहा हूँ और माशाल्लाह जिस तरह की मेरी फिटनेस है तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट को। ये है